बैक टू ट्रैवल गाइस, अनदर डे अनदर वीडियो। एंड गाइस फाइनली अर्जुन दुबई में आ चुका है एंड हम अपना ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट करेंगे फिर से। हमारी वो जर्नी दोबारा से शुरू होने वाली है बैक ऑन बोर्ड। टाइम से व्लॉग भी नहीं आया हम लोगों के। तो आज हम लोग जा रहे हैं पहले बीच एक्सप्लोर करने, सो वील कॉल इट अ बीच डे एंड देन फिर शाम में देखते हैं कैसा प्लान करते हैं कि कहाँ पर खाना पीना करेंगे। बट ऐसा कि जब से अर्जुन आया हमारा पहला वीकेंड है और हम इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, और मैं बहुत टाइम से बोल भी रही थी। तो चलते हैं JBR बीच की तरफ। तो गाइस हम लोग सोच रहे थे कि आज मेट्रो में जाएंगे और बड़ी एक बड़ी चीज़ हो गई। इसकी शक्ल देख के जो मेट्रो वाले थे उन्होंने इसको गोल्ड कार्ड दे दिया और मैं ऐसे नॉर्मल वाले में जा रहा हूँ। ऐसे गोल्ड दूसरी तरफ से दिखाऊँ ना। हाँ यस, अब हम लोग अलग अलग कंपार्टमेंट में बैठ के जाएंगे। खैर इसको ऐसे रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा फिर। यस, अच्छे और बेटर, क्योंकि यहाँ की जो मेट्रो होती है उसमें कोई भी आगे चला नहीं हो रहा होता दिख रहा था। कोई चलाता नहीं है, सब ऑटोमेटिक होता है यहाँ पे, तो सबसे आगे बैठ सकते हैं वहाँ पे। मतलब व्यू बहुत अच्छा आता है, सिटी जो व्यू आता है। गाइस अभी तने ने पूरे गोल्ड कार्ड का अपना फायदा उठाया है, सब पूरी पूरी रिकॉर्डिंग की है साइड रोड की। हां, जो बढ़िया हम एंगल शूट कर सकते थे हमने उस गोल्ड कार्ड को थोड़ी देर अवेल किया और मैं आगे वाले कंपार्टमेंट में चली गई। एंड गाइस वहां पे कोई भी नहीं होता है, अपने आप ट्रेन चल रही होती है और आपको डायरेक्ट ये दिख रहा होता है। बता देते हैं आपको कि गोल्ड कार्ड और दुबई कार्ड में जो मैं डिफरेंस दिखा कि जो इसमें सिंपल कार्ड में जो पैसा लगता है वो जैसे 5 ग्राम मेरे लगे तो तने के 10 ग्राम लगे, तो इतना मतलब डबल का फर्क आ जाता है थोड़ा सा। लेकिन वन टाइम एक्सपीरियंस तो है, मज़ा भी, कंफर्ट भी, सीट भी है, सीट भी है इसमें, क्योंकि इस वाले में नॉर्मल वाले में काफ़ी भीड़ रहती है। अब हम उतर गए हैं DMCC पे। ऐसा लगता है कि ऐसे मेरे साथ अपने आप चीज़ें हो जाती हैं, करनी नहीं पड़ती हैं, हो जाती। तो बता देता हूँ मैं आपको, हम उतरे हैं DMCC से और यहाँ पे चाहे तो आप ट्रैम पकड़ सकते हो या फिर पैदल, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं पड़ता बीच। तो बाकी तो हम भी अभी देख रहे हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं। बट हमने पैदल ऑप्शन चूज किया है, इस हम पैदल जाएंगे बीच तक। पैदल मतलब जब घूमने निकले तो ढंग से निकलते हैं ना, घूमने देखने में थोड़ा सा। एंड दिस प्लेस इज लाइक मोर अबाउट गोरा पीपल्स, ही लव देम। यहां पे आपको इंडियन से दिखाई देंगे गाइस, बहुत कम है। तो यहां पे पूरा अंग्रेजी अंग्रेजी है। तेरा तो भाई इस साइड पे आपको ज्यादातर इंडियन क्राउड दिखेगा और साउथ इंडियन भी दिखेगा वहां पे सारा, पर इस तरह इट्स कंप्लीटली फॉरेनर्स। यहां पे शायद थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ता है शायद, इसलिए हां हर चीज बहुत महंगी है यहां पर। दिखाते हैं आपको सीधा अब रास्ता। तो गाइस ये वाला एरिया JBR इज ऑल अबाउट फन। यहाँ पे आपको पूरा माहौल चेंज हो जाता है दुबई का, पूरा ही हालात बदल जाते हैं। मतलब ये जो से दुबई जो दिखाते हैं वो वही सब है। JBR में एंड दिस प्लेस इज नोन फॉर कि यहाँ पे बहुत ही कम एरिया में बहुत ही ज़्यादा हाई राइज। अब जैसे कि देख पा रहे हो मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे हिस्से में हर तरफ हाई राइज है एंड हेयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज कंपैरेटिवली हाई जो कि दुबई के बाकी एरिया। हाँ अभी हम चेंजिंग रूम देख रहे हैं यहाँ पे। चेंजिंग रूम कहाँ पे चेंज करके हम लोग बिजा रहे हैं ऐसे ही कूदने यहाँ पर।
बीच के बीच में ऊँट भी आए हैं तो पता भी तो लगना चाहिए कि आप दुबई में हो, है ना। पता लगता है कि आप ऐसा समझ गए हो कि आप बाली वाली में हो कहीं पर तो ये ऐसे याद दिलवाते हैं कि आप दुबई में ही हैं अभी फिलहाल। बीच डे तो कवर कर लिया, इट वॉज अ गुड बीच डे ऑल टुगेदर एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। अब थोड़ा मंचिंग करने के लिए एंड हियर वी आर एट आवर फेवरेट डेस्टिनेशन स्टारबक्स एंड यहाँ से इसका व्यू है ये, दैट्स व्हाई दिस इज सो स्पेशल कि आपको डायरेक्टली ये व्यू देता है। अब यहाँ पे अपना खाना इंजॉय करें एंड साथ में व्यू भी इंजॉय करें। Guys, we are pretty much done with the beach and हम सोच रहे हैं कि हम कहीं पर कुछ खा पी लेते हैं आराम से बैठ कर और अपनी भूख मिटाते हैं। बहुत थक गया यार बीच में, थोड़ा सा मैं तो आता है बहुत लेकिन थकान भी बहुत हो जाती है। फिर अब हम जाते हैं कुछ खाने पीने यहाँ पर और थोड़ा सा दिन भी डल चुका है तो बीच तो हो गया है बंद। अब हम सोच रहे हैं कि अब चलते हैं अलसीफ की तरफ। अलसीफ वहाँ पर कुछ ऐसा सेलिब्रेशन चलता है अभी रमजान स्पेशल, वो दिखाते हैं आपको। वी हैड अ फूड यमी टेस्टी सा खाना खाया, हमने राजमा चावल खाया और अब हम पहुंच चुके हैं अलसीफ एंड देखते हैं यहाँ पे आज काफ़ी सारा भीड़ दिख रही है हमें। आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट कि आज यहाँ पे फायर क्रैकर शो होने वाला है तो सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हम भी जाते हैं और बताते हैं आपको कैसा है यहाँ का माहौल। पोपट बने गए हम तो स्टारबक्स पे आधा घंटे से वेट कर रहे हैं, वो पता लग रहा है कि अभी वो अपोजिट साइड है और हमारे पास सिर्फ 8-9 मिनट बचे हैं और हम भाग रहे हैं बस। अब आपको कैसा लगा यहाँ पे फायरवर्क एंड दिस वाज प्रीटी प्रीटी मच व्हाट वी कॉल इट डे। बहुत हेक्टिक दिन था हमारा आज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम पूरा दुबई इधर से उधर कवर करके आए हैं। आज हम बहुत थक चुके हैं बट हमने सच में फायरवर्क और ये सारी चीज़ें बहुत इंजॉय की यहाँ पे। आप बताना आपको व्लॉग कैसा लगा और हमारी मेहनत कैसी लगी एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। व्लॉग्स को भी लाइक वाइक करो यार, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी बढ़ाओ तब तो हम कॉन्टेंट लाएंगे आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया। या गुड बाय, टेक केयर।